त्रिवेणी जेनॉन को डॉट आईओ से आज हम जानेंगे स्किन केयर ड्यूरिंग कैंसर। अक्सर हम देखते हैं कैंसर पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स ड्यू टू कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या स्किन कैंसर की वजह से उनको बहुत सारे तकलीफें होता है। तो आज हम जानेंगे कौन सा न्यूट्रिशन उनके लिए अच्छा है एंड दूसरे टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहला जो है स्किन केयर के लिए बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट मायने रखता है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके वो नया सेल्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, मतलब जैसे कि नॉर्मल यू नो डार्क कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है। जैसे कि लाइकोपीन हम लोग जो बोलते हैं वो रेड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है, स्पेशली इन टमाटोज में अधिक मात्रा में पाया जाता है ये लाइकोपीन। तो लाइकोपीन से वो फ्री रेडिकल्स जो उत्पन्न होता है उनको मारने का जो शक्ति होता है इन लाइकोपीन में। सो इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ टोमेटोज एंड अदर रेड कलर्ड वेजिटेबल्स इन द डाइट। उसके साथ साथ विटामिन ए का, जो बीटा कैरोटीन हम लोग जो बोलते हैं, बीटा कैरोटीन अक्सर येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे कि पम्पकिन्स हो गया या हमारा येलो कैप्सिकम्स हो गया, या इन चीज़ों में हमें ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कैरेट्स में भी अधिक मात्रा में होता है। जब भी हम लोग ये बीटा कैरोटीन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो वाइटामिन ई हमारे शरीर में वो क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये यूज़ करना चाहिए। और ये भी फ्री रेडिकल्स, ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और ये स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इनको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। उसके साथ साथ विटामिन सी में अधिक मात्रा में वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, और वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो उनमें विटामिन सी को भी इंक्लूड करना चाहिए। इसके साथ साथ पॉलीफिनॉल जो हम लोग बोलते हैं वो अक्सर टीज में, ग्रीन टी में पाया जाता है, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और उसके साथ साथ उनके जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है वो स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक्चुअली पाएंगे हम लोग नेचुरल तरीके में, अगर हम देखेंगे तो सीड्स एंड नट्स में पाया जाता है, प्लांट बेस्ड सोर्सेस में। अगर हम एनिमल बेस्ड चाहते हैं तो इट इज़ फाउंड इन कई फिश में होते हैं, जैसे सार्डियन, फैटी फिश में होते हैं जैसे सार्डन, मैक्रल, ट्यूना, इन सारे फिश में ये विटामिन ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा रहता है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये एक्चुअली हम इफ़ प्रिफरेबली अगर पेशेंट सिर्फ ओमेगा 3 के लिए दे आर चूजिंग ओनली फ्लैक्स सीड्स या इन सारे सीड्स में लाइक चिया सीड्स वगैरह इंक्लूड कर रहे हैं, तब मैं रेकमेंड करूँगी उनको सप्लीमेंट्स के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वो EPA एंड DHA का जो रेशियो होता है ओमेगा 3-6 एसिड्स का, तो वो अक्सर एनिमल बेस्ड फूड्स में ज़्यादा होता है और वो गुड क्वालिटी होता है। तो इसलिए आप लोगों को वो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत भी है, तो ज़रूरत पड़ेगा तो आपको वो सप्लीमेंट्स भी लेना चाहिए। और टू मच ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट से भी बहुत सारे पेशेंट्स में कैंसर, स्किन कैंसर पाया जाता है, क्योंकि यूवी रेस इतना स्ट्रांग होता है, क्यों जब हम एक्सपोज करते हैं ये यूवी रेस में, तब हमारे स्किन का वो जो पेनिट्रेट होके वो रेस वो एक्चुअली हमारे DNA को भी चेंजेस, DNA में भी चेंजेस लाता है। तो इसीलिए हमें ख्याल रखना है नॉट टू एक्सपोज लॉट टू यू नो सन रेज वगैरह के लिए। माइल्ड जब सन रेज होता है तो वो सिर्फ 20 मिनट्स के लिए अगर आप एक्सपोज करेंगे मॉर्निंग टाइम्स के, जो इतने पावरफुल नहीं रहते हैं रेज, तो उस टाइम थोड़ा बेनिफिशियल होता है। और उसके साथ साथ पेशेंट्स को विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए, रेगुलरली चेक करना चाहिए पेशेंट्स को, सो दैट यू नो उस डेफिशिएंसी से भी हमारे स्किन में बहुत सारे चेंजेस आ सकता है। तो कीप एन आई कीप अ वॉच ऑन द विटामिन डी लेवल्स। अगर कम है तो मीट योर डाइटिशियन एंड डॉक्टर एंड गो फॉर द सप्लीमेंट्स। और इसके साथ साथ हाइड्रेशन,
या द मोर वी हाइड्रेट एंड मोर वी यू नो हमारे स्किन से जो स्वेट वगैरह निकलता है उससे भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हम वी विल फ्लश आउट. सो इसलिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है. सो इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग द डाइट में या नॉर्मल डेज में. कीप एटलीस्ट यू नो कीप हाइड्रेटिंग वेल थ्रू आउट द डे एट रेगुलर इंटरवल्स. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू फ्लश आउट लॉट ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. उसके साथ साथ पेशेंट्स को जिंक का भी ख्याल रखना चाहिए और सेलेनियम का भी ख्याल रखना चाहिए. अगर कैंसर पेशेंट्स में हम अक्सर रेकमेंड करते हैं कि सेलेनियम प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग कैंसर, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच नहीं है. उनके जो प्रोसेस जो होता है हमारे शरीर में सेलेनियम का, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है. जैसे सेलेनियम आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो सेलेनियम ब्राज़ील नट्स में जो है वो सेलेनियम बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलता है. तो आई वुड रेकमेंड पेशेंट्स टू ईट यू नो वन ब्राज़ील नट ईच डे, क्योंकि वो सेलेनियम रिच होता है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है और उसमें बहुत सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा है. तो मेक श्योर यू आर इंक्लूडिंग वन ब्राज़ील नट इन एनी फॉर्म लाइक थ्रू आउट द डे एनी वन. तो दैट इज़ रियली हाई इन सेलेनियम. तो एक ब्राज़ील नट वन डे रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी है. तो यू कैन ईट डेली वन ब्राज़ील नट. और जिंक में बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, वो जो एंटी वो एक्टिविटी एंजाइम एक्टिविटी को वो क्रिएट करता है हमारे शरीर में. तो जिंक रिच फूड्स हमें लेना चाहिए. तो लाइक सीड्स एंड ऑल आर रिच इन जिंक. सो ट्राई टू इंक्लूड ऑल दोज जिंक रिच फूड्स. दैट विल रियली हेल्प यू ऑल. सो आज एंड मोर ओवर हाँ, आप जब बाहर जा रहे हो तो वेयर यू नो लाइक फुल क्लोथ्स वाला लूज एंड फुल कवर जो करते हैं हमारे कपड़े, वैसे कपड़े पहन के जाइए. एंड ट्राई टू ऑलवेज कवर योर आईज विद सम शेड्स आप यूज़ कीजिए जब भी आप बाहर जा रहे हो, सो दैट यू आर नॉट एक्सपोज टू मच ऑफ यूवी रेस. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. एंड यूज़ अम्ब्रेलाज ऑल्सो. एंड अम्ब्रेलाज तो बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि दैट विल प्रोटेक्ट एटलीस्ट इफ यू आर गोइंग आउट इन वेरी हॉट सन. तो ट्राई टू अवॉइड यू नो पी कवर्स जो रहता है सन रेस का, जब स्पेशली ड्यूरिंग यू नो 12 टू यू नो 3 टू 4 ओ क्लॉक तक बहुत पावरफुल सन रेज होता है, ब्राइट होता है. तो उस समय पर बाहर जाना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा. एंड इफ एट ऑल इफ यू वांट टू यूज़ योर सनस्क्रीन लोशंस, तो डॉक्टर के पास जाइए, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए एंड देन यूज़. डोंट एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन, बिकॉज कहीं कहीं साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कभी कभी रैशेस भी डेवलप होने का चांसेस रहता है. तो बेटर सीक योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड देन कंसल्ट फॉर एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स. रीच आउट टू योर डाइटिशियन. थैंक यू. दैट्स ऑल.